नमस्कार, टुडे भारत लाइव में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है जनपद कुशीनगर से। शाहपुर खलवा पट्टी में जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीटी, एक महिला सहित दर्जनों घायल, 17 पुलिस के हिरासत में। कुशीनगर जनपद के बिशनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा शाहपुर खलवा पट्टी में आज दोपहर करीब 1:30 बजे दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला सहित दर्जनों लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने 17 लोगों को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। दरअसल यह मामला काफ़ी दिनों से माननीय न्यायालय कस्या में चल रहा था। आरोप है कि जयप्रकाश ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ परमानंद, हरिलाल, स्वर्ण, हरेश, नरेश पुत्रगण, ललन व एक महिला सुनीता देवी पत्नी दयानंद घायल हो गए। वह दूसरे पक्ष में जयप्रकाश पुत्र ललन प्रसाद, श्री प्रताप अरविंद पुत्र ललन सहित कई अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 17 लोगों को हिरासत में लेकर थाने भेज दी। न्यायालय में गंगा शर्मा के खिलाफ मुकदमा 2012 से था। गंगा बनाम ललन बनाम गंगा, ललन बनाम गंगा। हाँ, ललन हमारे पिताजी हैं। 2012 से माननीय कस्या न्यायालय दीवानी के अंदर मुकदमा चल रहा है। 2012 से लेकर 2020 में हमारे पक्ष में फाइनल का आदेश आ गया, डिग्री हमें मिल गया और उस डिग्री के साथ हम कस्या दीवानी में चल रहा है और वहाँ से डिग्री 2020 में ही हमें मिल गया था, फरवरी 2020 में। और 2020 से लेकर 2022 हो गया, हम लगातार एस डी एम और डी एम और थाना प्रभारी सभी का परिक्रमा कर रहे हैं। आदेश हमारा साफ है, हमारा जो भी जमीन है उसके आगे जो है उनका जो जमीन है उसके जो आरोपी है उसके द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए और इनका कब्जा दर्ज किया जाए। आज सर ये हुआ कि इससे पहले भी जो तीन बार लोग हमारे मम्मी पापा को मार रहे हैं, मार चुके हैं, चुके हैं और ये लगातार उसका निर्माण कार्य कर रहे हैं। और हम अपने जमीन पे जब हम गए हैं देखने के लिए तो वहाँ पे वो लोग अचानक से हमला कर रहे हैं। है सर, हमारे पास सब हमारे पास आदेश है और पिछले बार हम अधिकारियों को दे चुके हैं। अधिकारी जो पिछले और नतीजा हमको बदलना पड़ रहा है और आरोपी का जो है ललन प्रसाद, उसके बाद हमारा जो छोटा भाई नाबालिग है उसको मारते पीटते हुए थाने ले आए और यहाँ पे हम सभी का मोबाइल छीन दिया गया है। हमें अपने परिजनों से भी बात करने का मौका नहीं मिल रहा है और अपने वो बीच से भी हमको बात करने का मौका नहीं हमें दिया जा रहा है। और इसमें जो है पुलिस के द्वारा जो है हमारे साथ परमा है, नरेश है, क्या नाम है आपका, घर कहाँ आपका, साफ क्या मामला हुआ था कि मारामारी हुआ, जैसे कि हम लोग को पता नहीं था कि ये लोग गुंडा बुला कर लाए। वो लोग गुंडा बुला कर लाए चारों ओर से। कौन गुंडा बुला कर लाए? जयप्रकाश ललन का लड़का है। जयप्रकाश कौन है सर? आपके पति पड़दार है? नहीं, पति पड़दार नहीं, लोग गाँव के। अच्छा, कैसे भी बात चल रहा था? इन लोग का हम लोग खेत लिए हैं। ललन प्रसाद जो है वो मानी है, जयप्रकाश का बाप है। और ललन का एक भाई था, उसका नाम राम प्रसाद था। तो राम प्रसाद का 10 कट्ठा खेत था ललन प्रसाद के बाप का। तो हम लोग राम प्रसाद से 5 कट्ठा निकाल लिए और ललन प्रसाद तो हम लोग पैनामे के तौर पे जब बचने के लिए दिया था, पंचनामा भी बनाया पैदा जब लिए। ललन प्रसाद के जो बाप था ना, ललन प्रसाद के जो बाप था उसको पैसा दिया था और पैसा देने के बाद हम लोग घर बनाए थे और घर जब बनाने 20 वर्ष हो गया था। और आज हम लोग का पता नहीं था कि गुंडा बुला कर लाएगा, गुंडा बुला कर लाया, तोड़ फोड़ किया है। हम लोग चुपचाप वहाँ खड़ा थे, तोड़ फोड़ करने के बाद
हम लोग से हमला हो गया, तो हम लोग मारे मार के गए कि हम लोग भाग गए हैं। दो घंटा पहले मोबाइल सारा दस को पारे को मोबाइल छीन के लेकर चल गए जहाँ 500 लोग बाय महाराज का परिये तो चार को पारा दिखा परी हमने तुम लोग खा रहे हैं ना हमने पहले घर तुम लोग हैं तो बहुत 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 बहु